सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं वीएमसी मशीन में यूज होने वाले टूल्स के बारे में, कौन कौन से टाइप के टूल होते हैं और कैसे हम इन्हें शॉर्टलिस्ट करते हैं, क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जिसकी बेसिस पर हम जो है वीएमसी मशीन में जो टूल है उनको सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वीएमसी मशीन में टूल्स कितने टाइप के होते हैं। आपने देखे होंगे कि वीएमसी की जो टूलिंग रेंज है बहुत बड़ी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 200 से 250 टूल होल्डर जो है मिलते हैं वीएमसी मशीन के अंदर। जो है एटीसी जो होता है, किसी के अंदर 60 टूल का होता है, किसी के अंदर 100 टूल का होता है, किसी के अंदर जो है 200 टूल का जो है आपको एटीसी मिल जाएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो रेंज है टूलिंग की वो बहुत बड़ी है। इसमें जो है मिलिंग के टूल जो होते हैं बहुत अलग अलग शेप के आते हैं, अलग अलग साइज़ के आते हैं और ऑपरेशन वाइज जो है हम इनको सेलेक्ट करते हैं। टूल होल्डर्स की रेंज अलग टाइप की होती है, ठीक है, अब उनकी प्रोफाइल अलग टाइप की मिलती है। तो क्या रीज़न है? तो इसके लिए हम आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताएंगे, उनका यूज़ करके आप जो है टूल का सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा टूल जो है किस में यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टूलिंग जो है वीएमसी मशीन की वो कितने टाइप की है, कितने कैटेगरी के जो है टूल्स अवेलेबल हैं। सीएनसी इंडस्ट्री के अंदर जो है तीन कैटेगरी जो मेन है उसके अंदर जो है आपको टूल्स मिलते हैं। पहले होते हैं आपके सॉलिड कार्बाइड टूल्स, दूसरे होते हैं आपके इंडेक्सेबल टूल्स और तीसरे जो होते हैं इंटरचेंजेबल टूल्स, ठीक है। अब इनमें अंतर क्या है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड कार्बाइड की। सॉलिड कार्बाइड टूल होता है जो कि सॉलिड टूल्स होते हैं जिनके अंदर जो है आपको कोई भी जो है हॉलोनेस नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इनकी जो रेंज होती है 0.2 mm डाया से लेकर कि ये आपको मिल जाएंगे 40 mm डाया तक मिल जाएंगे। 40 mm के बाद जो है सॉलिड कार्बाइड टूल्स बंद हो जाते हैं, ठीक है, इससे ऊपर जो है आपको टूल्स नहीं मिलेंगे। इसका एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि सॉलिड कार्बाइड टूल होते हैं हैवी और जो हैवी टूल होते हैं उनका जैसे जैसे डाया इंक्रीज करेगा तो वेट इंक्रीज़ करता जाएगा और वेट जब इंक्रीज करता है तो मशीन के ऊपर जो है लोड बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जो मशीनिंग हमको चाहिए होती, जो स्ट्रेंथ उसको चाहिए होती वो नहीं मिल पाती है। इसलिए जो है हम यहाँ पर इंडेक्सेबल टूल यूज़ करते हैं। अब इंडेक्सेबल टूल्स क्या है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इंडेक्सेबल टूल्स वो होते हैं जिनके अंदर जो है हम इंसर्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे फेस मिलिंग कटर है, शोल्डर मिलिंग कटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हम इंसर्ट्स यूज़ करते हैं कटिंग एज के रूप में, ठीक है। सॉलिड कार्बाइड में जो है उसके सॉलिड कटिंग एज होते हैं, बट इंडेक्सेबल टूलिंग का फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि अगर हमारा जो है इंसर्ट टूट जाती है तो हम जो है वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं नई इंसर्ट्स के साथ में। तो यहाँ पर जो है हमको ये बेनिफिट मिल जाता है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो है आप जब मशीन परचेस करते हैं उसके साथ में आप टूल होल्डर खरीदते हैं तो टूल होल्डर की भी लाइफ जो है आपको जो है सेम मिल जाती है मशीन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि इंटरचेंजेबल कहाँ पर यूज़ करना है, जहाँ पर जो है 35 mm का जो डाया है उससे ऊपर का जो भी टूल लेना है वो आप जो है इंडेक्सेबल टूल यूज़ करिए, ठीक है, उसमें आपको जो है फ़ायदा रहता है। हालांकि इंडेक्सेबल टूल की जो रेंज है वो 20 mm से लगभग स्टार्ट हो जाती है, बट कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जहां पर टूल की जो रेंज है वो 10 mm तक भी जो है आपको इंडेक्सेबल टूलिंग मिल जाती है, ठीक है। तो इंडेक्सेबल टूलिंग आपको पता चल गई। तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है इंटरचेंजेबल, ठीक है। इंटरचेंजेबल जो कैटेगरी है बहुत ही इकोनॉमिकल कैटेगरी कहलाती है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या है, ये जो टूलिंग है ये हमारी सबसे पहले जो है इंटरचेंजेबल टूलिंग में जो है सैंडविक और कैनामेटल इन दोनों ने जो है अपने टूल्स डेवलप किए थे। उसके बाद जो है वॉल्टर ने भी जो है इसमें काफ़ी सारा अमेंडमेंट किया और अपने जो है इंटरचेंजेबल जो है टूल्स बनाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, स्लीव मिल जाती है, साथ में जो है ऊपर का जो फेस है उसको जो है बट फेस करके जो है इसको थ्रेडेड पोर्शन के साथ में अटैच कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको जो है मशीनिंग में आपको ईजी हो जाता है, आपकी टूल की जो है रिप्लेसमेंट मिल जाता है। अगर आपको जो है लाइट मशीनिंग करनी है
कम डेप्थ में मशीनिंग करनी है तो आप जो है इस टाइप के टूल यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक डीमेरिट यहाँ पर ये रहती है कि इनको जो है आप हार्ड मटेरियल पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको हार्ड मटेरियल पे मशीनिंग करनी है तो आप जो है ये सिलेक्ट करके चलिए कि आपको जो है हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है सॉलिड कार्बाइड को। जितने ज़्यादा हार्ड मटेरियल होगा उसमें आपको जो है सॉलिड कार्बाइड को ही यूज़ करना है। उसके बाद जो है आप सेकेंड प्रायोरिटी पे डाल सकते हैं इंडेक्सेबल टूलिंग, और थर्ड प्रायोरिटी जो होती है जो कि सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए होता है, जैसे एल्यूमिनियम है आपका जो है, माइल्ड स्टील है, यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स हैं जिनकी एचआरसी रेंज जो है 40 एचआरसी से कम है, वहाँ पर जो है आप इंटरचेंजेबल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक सबसे बेनिफिट ये रहता है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आपका जो कटिंग पोर्शन है वो डैमेज हो जाता है तो आप जो है इसको नए पीस से जो है रिप्लेस कर सकते हैं और आपका जो है आपको इकोनॉमी मिल जाती है। आपको जो है लगभग जो है 1/5 टाइम जो है आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। ठीक है, सॉलिड कार्बाइड खरीदेंगे या फिर आप जो है इंटरचेंजेबल खरीदेंगे तो आपको जो है इंटरचेंजेबल जो है 5 गुना सस्ता मिलेगा। यहाँ पर जो है आपके लिए बढ़िया बेनिफिट भी रहता है। ठीक है, तो ये आप इसको एज ए कॉस्ट इफेक्टिव टूलिंग के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तीन कैटेगरी में जो है हमारे टूल डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड कार्बाइड के अंदर जो है बहुत सारे वैरायटी ऑफ टूलिंग मिल जाएगी, जैसे कि आपको जो है एंड मिल मिल जाएगी, 4 फ्लूट 3 फ्लूट 5 फ्लूट, ये जो है आपको मिल जाएगी अलग अलग मटेरियल के हिसाब से। आप जो है माइल्ड स्टील के हिसाब से ले सकते हैं। एल्यूमिनियम की कैटेगरी में जो है आपको 2 और 3 फ्लूट्स की ही आपको एंड मिल मिलेंगी, तो वो आप जो है यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बॉल नोज की, तो बॉल नोज भी आपको जो है अलग अलग हार्डनेस के हिसाब से मिल जाएगी, तो बॉल नोज भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो आपकी होती है ड्रिल्स की, तो सॉलिड कार्बाइड ड्रिल्स भी होती हैं। इसके अलावा जो है यू ड्रिल्स मिल जाएंगी या फिर आपको जो है इंडेक्सेबल ड्रिल्स भी मिल जाएंगी, तो ये कैटेगरी है। अब बात करते हैं कि किन फंडामेंटल्स के बेस पर जो है हम टूल का साइज सेलेक्ट करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी सॉलिड कार्बाइड टूल सेलेक्ट करना है तो उसकी जो लेंथ है, जितनी आपको यूजेबल लेंथ है, उतना ही जो है आपको टूल सेलेक्ट करना है। आप कोशिश करिए कि आपको जो है शॉर्ट लेंथ के टूल से ही आपका जो है प्रोग्राम बन जाए। अगर आपका टूल है लंबा होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ट्विस्टिंग फोर्स ज़्यादा लगता है, टॉर्क ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है टूल का ब्रेकेज रहता है और मशीनिंग जो क्वालिटी है वो आपको जो है फिनिशिंग नहीं मिल पाती है। जितना शॉर्ट लेंथ का टूल होगा, जितना छोटा टूल होगा, वो आपको जो है उतनी ही ज़्यादा रिजिडिटी देगा और स्ट्रेंथ आपके जो है कटिंग फोर्स आपको जो है मिल पाएगा, और उस कटिंग फोर्स की वजह से जो आपको फिनिशिंग चाहिए वो उतनी बढ़िया आपको मिल पाएगी जितना शॉर्ट लेंथ का आप टूल यूज़ करेंगे। तो अगर आपको जो है लंबे टूल की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है स्पेशल टाइप का टूल होल्डर यूज़ कर सकते हैं, जो कि डीप में जाने के लिए जो है उसका जो शैंक है वो लंबा हो जाता है, जहाँ पर जो है आपको एडिशनल लेंथ जो है टूल में नहीं चाहिए होती है, वो आपके टूल होल्डर में ही जो है आपको लेंथ मिल जाती है। वहाँ पर आप जो है छोटी जो है साइज़ का जो टूल है उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी और आपकी जो मशीनिंग क्वालिटी है वो बढ़िया हो जाएगी। तो डीप के लिए जो है आप लंबे टूल होल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप जो है देख पा रहे हैं। ठीक है, वहीं सेम केस है आपका ड्रिल के केस में। जब भी आपको जो है ड्रिल यूज़ करनी है तो ड्रिल की भी लेंथ जो है आप इतनी ज़्यादा मत रखिए कि जो है आपकी ड्रिल जो है उसमें ट्विस्टिंग फोर्स आए और ड्रिल जो है टूट जाए। तो या फिर जो है अगर आप लंबी ड्रिल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है वॉबलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से जो होल स्ट्रेट होना चाहिए वो स्ट्रेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि ड्रिल के केस में भी जब भी आप ड्रिल सेलेक्ट करें तो कार्बाइड ड्रिल सेलेक्ट करिए, और HSS की ड्रिल जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है उसमें, जो है आपको सेंट्रल ड्रिल जो है आपको करनी पड़ती है, सेंट्रल पंचिंग जो है आपको करनी पड़ती है, उसके बाद जो है आप HSS की ड्रिल यूज़ करते हैं, क्योंकि HSS का जो कटिंग एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। वहीं अगर हम सॉलिड कार्बाइड की बात करें तो सॉलिड कार्बाइड में जो है एंगल जो होता है वो 140 डिग्री का होता है, और यहाँ पर एंगल बड़ा होने की वजह से और उस पर जो है चीजल नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड कार्बाइड जो ड्रिल्स होती हैं उनके ऊपर चीजल जो है मार्क नहीं होता है, और चीजल ना होने की वजह से जो है यहाँ पर एक बेनिफिट ये होता है कि आपको जो है सेंट्रल पंचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है ड्रिल कर सकते हैं। जो भी स्पॉट आप डिसाइड करेंगे वहाँ पर जो है आप ड्रिल डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी सेंटर पंचिंग मार्किंग जो है करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड कार्बाइड ड्रिल बहुत बढ़िया होती हैं, आप जो है
HSS की ड्रिल की बजाय जो है आप सॉलिड कार्बाइड ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं, और शॉर्ट लेंथ ड्रिल का यूज़ मैक्सिमम करने की कोशिश करिए। अगर आपको जो है डीप में भी ड्रिलिंग करनी है, अगर आपको जो है वर्क पीस ऐसा मिल जाता है जहाँ पर जो है वोल्डिंग वगैरह करना है, तो वहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश करिए कि जो है लॉन्ग टाइप के जो है टूल होल्डर्स यूज़ करिए। उसमें जो है आपको एक बेनिफिट रहता है कि आपको जो है टूल बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और जितने लंबे टूल आप ख़रीदते हैं वो आपको उतने ही ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ते हैं। छोटे टूल लेंथ की यूज़ करने का आपको ये फ़ायदा रहता है कि आपको जो है फिनिशिंग बढ़िया मिलती है, लाइफ बढ़िया मिलती है, और ऑपरेशन ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं टूल सिलेक्शन के लिए। अब एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सरफेस कटर। आपको जो है लेना है सरफेस मिलिंग कटर, जिसकी बात करते हैं हम, जिसको फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको फिनिशिंग के लिए यूज़ करना है तो जो कटर का जो डायामीटर है वो मैक्सिमम सेलेक्ट करिए जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके पास वर्क पीस का साइज़ दिख रहा है तो उसका 1.5 टाइम्स अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपका बड़ा वर्क पीस है आपके पास जो है मैक्सिमम साइज़ का जो है कटर है तो वही चूज़ करिए। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जितना बड़ा कटर होगा उतनी बढ़िया जो है आपको फ्लैटनेस मिलेगी, स्ट्रेटनेस मिल जाएगी, और ये चीज़ें जो है हमको क्वालिटी में चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर आप छोटी लेंथ का लेंगे तो वहाँ पर जो है आपकी बार बार जो है एक के ऊपर जो है मटेरियल चढ़ाना पड़ेगा, नेक्स्ट मटेरियल के ऊपर जो है लाइनिंग करनी पड़ेगी, और कन्वेंशनल मिलिंग में जो है उसके ऊपर जो है स्ट्रेटनेस नहीं मिल पाती है। इसलिए जो है कोशिश करिए कि आप जो है मैक्सिमम साइज़ का जो है कटर लीजिए, फ्लैट एंड, और 45 डिग्री वाली इंसर्ट का जो है आपको कटर यूज़ करना है। इससे आपको जो है मैक्सिमम फिनिश मिल जाएगी, आपको जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़िया मिलेगी। तो सरफेस मिलिंग कटर यूज़ करना है तो 45 डिग्री इंसर्ट के साथ में करिए, और आपको जो है एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम डायमीटर का जो है आपको कटर चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शोल्डर मिलिंग। शोल्डर मिलिंग के लिए देखिए आप सॉलिड कार्बाइड टूल भी यूज़ कर सकते हैं और आप जो है शोल्डर मिल भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके वर्कपीस के साइज़ के ऊपर। अगर वर्कपीस का साइज़ बड़ा है तो आप जो है शोल्डर मिल का कटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपके वर्कपीस का साइज़ छोटा है तो आप जो है सॉलिड कार्बाइड का जो है आप शोल्डर मिल जो है एंड मिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब बात करते हैं बॉल नोज एंड मिल्स की। तो बॉल नोज एंड मिल्स जो होती हैं बेसिकली प्रोफाइल के लिए हम यूज़ करते हैं, और प्रोफाइल के लिए आपको जो है डायामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। जिस डायामीटर का जो है आपको फिनिशिंग चाहिए उसी डाया की जो है आप जो है एंड मिल ले सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, इसके एंड मिल का जो रेडियस होता है आपको आर्क रेडियस चाहिए होता है, वो आर्क रेडियस आप बता देंगे कि भाई इस आर्क रेडियस की जो है मुझे मेंटेन करनी है साइड में कॉर्नर में, तो वो उसी हिसाब से जो है आपको एंड मिल चूज़ करनी है। एंड मिल जो है दोनों टाइप की आती हैं बॉल नोज में, आपको इंडेक्सिबल भी मिल जाएगा और आपको जो है सॉलिड कार्बाइड भी मिल जाएगा। और सॉलिड कार्बाइड जो है आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है बट कॉस्टली होती है, आप अगर इंडेक्सिबल यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए सस्ती पड़ जाती हैं। तो इसलिए जो है आप अलग अलग रेडियस के हिसाब से जो है इंडेक्सिबल बॉल नोज रेडियस की जो है बॉल नोज एंड मिल यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्टिंग टूल की। तो पार्टिंग टूल के लिए बीएमसी के अंदर जो है ज़्यादातर जो है हम यूज़ करते हैं इंडेक्सिबल, और साइज़ जो है वो वर्कपीस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा जो है आपको लेना है। मीडियम जो हम यूज़ करते हैं वो आपका जो है 50 डाया का जो है पार्टिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेशल टूलिंग की बात करें तो स्पेशल टूलिंग में आपका आता है आपका टी स्लॉट मिलर। टी स्लॉट मिलर जनरली हम जो है दोनों ही कैटेगरी में मिल जाता है आपको, सॉलिड कार्बाइड में भी मिल जाएगा और इंडेक्सिबल में भी मिल जाएगा। बट अगर आपको टूल सेलेक्ट करना है तो आप जो है इंडेक्सिबल में चूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अब अलग अलग साइज़ के हिसाब से जो है सस्ते टूल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। इंडेक्सिबल जो है काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, आपको जो है यहाँ पर इकोनॉमी भी चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है टूल ये परचेस करते हैं तो आप जो है इंडेक्सिबल यूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है काउंटर शिंकिंग टूल। काउंटर शिंकिंग टूल भी आपको जो है मिल जाएगा, ये आपको अलग अलग साइज़ में मिल जाएंगे, बट आप जो है सॉलिड कार्बाइड छोटे ड्रिल्स के लिए आप जो है काउंटर शिंकिंग करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सॉलिड कार्बाइड वाले ही टूल्स सेलेक्ट करने चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप हार्ड मटेरियल पे काम करें तो आपको हमेशा याद रखना है कि सॉलिड कार्बाइड टूल ही यूज़ करना है, और शॉर्ट लेंथ के जो है सॉलिड कार्बाइड टूल यूज़ करिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनके बारे में हम स्पेसिफिकली बताएंगे, जैसे कि आपके थ्रेड मिल्स हैं,
ट्रेडमिल्स के ऊपर एक डिफरेंट कैटेगरी है, उसकी जो है डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके ऊपर जो है हमें काफ़ी डिटेल में बात करनी होगी, जो पैरामीटर्स के ऊपर भी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।